बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के महुआ पंचायत के कचनपुर गांव में 50 वर्ष बीत जाने के बाद भी बिजली नहीं आने के कारण समस्या से ग्रसित है वहां दलित समुदाय के लोग। बिजली ना रहने से पढ़ाई की संकट होती है, जो कि बिजली ना रहने से हम लोग के दिया से पढ़ने पड़ते हैं, जो कि डीलर से बहुत कम मात्रा में मिलती है, जो कि 2 लीटर ही मात्र मिलता है, इसलिए हम लोग के पढ़ाई नहीं हो पाती है। न्यूज नहीं हमको मिल पाता है, मोबाइल चार्ज नहीं होता है। तो मोबाइल चार्ज आप कहाँ करने जाते हैं? 5 किलोमीटर दूर जाने पड़ता है मोबाइल चार्ज करने, उसमें भी 5 रुपये पैसा लगता है। इस गांव के अगल बगल जितने भी गांव हैं सभी गांवों में बिजली जलती है और रोशनी रहती है, लेकिन हम लोग के गाँव में बिजली नहीं आई है। उन लोग का कहना है कि हम लोग अपना जीवन सदियों से अंधेरा में गुजारते चले आ रहे हैं और हम लोग की बच्चे भी ढिबरी जलाकर पढ़ते हैं, कम रोशनी में पढ़ने से आंख खराब हो सकता है। तो आपके गांव में बिजली के लिए तो खंभे गड़े हुए हैं? खंभे तो गड़े हैं, लेकिन 2 साल से खंभा गड़े हैं, लेकिन तारे नहीं खींचा रहा है। यह योजना नवंबर 2014 में एनडीए सरकार ने ग्रामीण विद्युत योजना दीनदयाल योजना के लिए 43,33 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति दी थी, लेकिन अभी तक कार्य अधूरा ही रह गया है। बिजली विभाग के पास जो पोल गड़वाए थे उनसे ही संपर्क किए थे, पर वो कहे थे कि जो सरकार से जब तक ऑर्डर नहीं आ पाएगा हम तार नहीं खींच पाएंगे। हम लोग यही चाह रहे हैं कि जितना ही जल्द हम लोग के पास मतलब बिजली आ जाए हमारे गांव में, तो कि हम लोग न्यूज सुन सके, पढ़ाई कर सकते हैं और उच्च माध्यम तक हम लोग के पढ़ाई के रास्ते से जरिए से मतलब उच्च पदों तक जा सकें। यह वीडियो देखने वाले साथियों से अनुरोध है, कृपया वीडियो देख करके बिजली विभाग के वसीयर के मोबाइल नंबर 70-33-19-13-16 पर फ़ोन कर दबाव बनाएं। मैं सुरेंद्र शर्मा, ग्राम महुआ, जिला औरंगाबाद, बिहार, इंडिया नेट के लिए।